हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अब नाइट्रोजन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि वो पार्ट है प्रोटीन्स का, अमाइनो एसिड्स का, विटामिन्स का, हॉर्मोन्स का और भी काफी सारे कंपोनेंट्स का। और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्लोरोफिल का भी पार्ट है, ठीक है। उसके बाद अब प्लांट हवा वाली नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऐसा कोई इंजाइम नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे वो इस बॉन्ड को तोड़ सके। तो ये शक्ति किसके पास है? प्रोकैरियोट्स के पास, ठीक है। और अगर प्रोकैरियोट्स, हमने बोला कि प्रोकैरियोट्स नाइट्रोजन को अवेलेबल कर रहे हैं प्लांट के लिए, तो वो प्लांट किस फॉर्म में ले पा रहा है? तो वो प्लांट नाइट्रेट्स की फॉर्म में ले पा रहा है। और सिर्फ नाइट्रेट्स की नहीं बट मेजरली नाइट्रेट, बाकी अमोनिया की फॉर्म में भी ले पा रहा है, नाइट्राइट की फॉर्म में भी, बट कम ले पा रहा है क्योंकि वो ज्यादा टॉक्सिक है। एंड नाइट्रेट्स इज कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक एज वेल एज सोल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल में क्या था कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन धरती पे कैसे आ रही है, सॉइल में कैसे आ रही है? एक तो लाइटनिंग की वजह से, दूसरा व्हीकल्स की वजह से। हवा में नाइट्रोजन हो जाती है और वो हवा से नाइट्रोजन कैसे आ रही है? नीचे थ्रू एसिड रेन, तो ये भी अमोनिया बन जाता है सॉइल में आके। एंड दूसरी बात, इंडस्ट्रीज क्या बना रही है? यूरिया की डिमांड बहुत है किसानों को, तो इंडस्ट्रीज में यूरिया बन रहा है, ठीक है। यूरिया को यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स, और वो भी कौन करवा रहा है? इंडस्ट्रीज। फिर आते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन सॉरी साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? हवा से नाइट्रोजन ले रहे हैं, उसको अवेलेबल करवा रहे हैं प्लांट के लिए, उसको अवेलेबल करवा रहे हैं प्लांट के लिए, ठीक है। और प्लांट नाइट्रेट्स की फॉर्म में उसको ले रहा है, ठीक है। अब प्लांट इस नाइट्रेट की फॉर्म को अपटेक करके आगे क्या कर रहा है, आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी टर्म्स हमने पढ़ ली थी। व्हाट इज अमोनिफिकेशन? अमोनिफिकेशन में कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व है? बैसिलस रेमोसस, बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस माइकोइड्स। एंड नाइट्रोसोफिकेशन पढ़ी थी, नाइट्रोजोमोनास एंड नाइट्रोकोकस इन्वॉल्व है। फिर हमने नाइट्रिफिकेशन पढ़ी थी, नाइट्रोबैक्टीरिया इन्वॉल्व। एंड देन हमने एक स्पेशल चीज पढ़ी, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का क्या मतलब है कि अवेलेबल फॉर्म, अवेलेबल फॉर्म कौन सी है प्लांट के लिए? नाइट्रेट्स, उसको कन्वर्ट किया अन अवेलेबल फॉर्म में। अन अवेलेबल में आ जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, तो ये सारी अन अवेलेबल फॉर्म है। अब बैक्टीरिया कौन से इन्वॉल्व है यहाँ पे? एनरोबिक बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व। कौन से? बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, बैसिलस सबटाइलिस, थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, नाइट्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, तो ये सारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, ठीक है। अब आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज एनामोक्स। एनामोक्स क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रोजन एनारोबिकली इज नोन एज, एनारोबिकली इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे? एनामोक्स, ठीक है। अब एनामोक्स की बात करते हैं। एनामोक्स एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया जिनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सूडो ऑर्गेनली। मतलब एज सच ऑर्गेनली नहीं है बट एक जगह स्पेसिफाइड है ऑर्गेनली के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एनामोसोम, एनामोसोम, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है ये ना ही ग्राम पॉजिटिव होते हैं ना ही ग्राम नेगेटिव होते हैं, नाइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इस तरह से इसको इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब ये यूज कहाँ होता है, इनका यूज कहाँ पे आता है? कॉमर्शियली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज होते हैं, यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स,
ऑक्सीजन में जो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही है एनामोक्सिकली, वो 50% नाइट्रोजन को कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये काम कैसे कर रहे हैं? देखो, अमोनिया पहले से है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में अमोनिया पहले से है। अमोनिया क्या करेगा, ऑक्सीजन को यूज कर लेगा, अमोनिया के साथ ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट में। नाइट्राइट में अब क्या हो गया, सारी ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होगी, तो कंडीशन कैसी बनेगी, एनारोबिक कंडीशन बन जाएंगी। अब ये बैक्टीरिया कैसे है, एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, कैसे बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को खत्म करना पड़ेगा। अब फिर से जो अमोनिया और अवेलेबल होता है वो नाइट्राइट्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, नाइट्राइट। तो इस तरह से ये काम करता है एनामोक्स। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया इन्वॉल्व, एनारोबिक बैक्टीरिया है पहले तो। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया है। दूसरे अगर हम बात करते हैं इन बैक्टीरिया की, तो ये बैक्टीरिया जैसे होते हैं कैंडिडेटस, कैंडिडेटस ब्रोकेडिया एंड अनदर बैक्टीरिया इज खिनगी स्टूटी गार्टियंसिस, स्टूटी गार्टियंसिस। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया ऐसे हैं, बाकी कैंडिडेटस जीनस के जितने बैक्टीरिया हैं वो काफी सारे बैक्टीरिया हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये कुछ टेम्परेचर कंडीशंस पे रह सकते हैं, कुछ ऐसे टेम्परेचर कंडीशंस हैं जिनमें ये इजीली सर्वाइव कर दे। तो 43-2 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस तक ये अच्छे से सर्वाइव करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड और पीएच इनको 6 से ऊपर चाहिए, 6.8 to 7.8 कुछ ऐसे पीएच चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई एनामोक्स बैक्टीरिया की बात। एनामोक्स एक अलग टाइप के बैक्टीरिया है जो एनारोबिकली सर्वाइव करते हैं। इनमें कुछ सूडो ऑर्गेनली है जैसे एनामोसोम, और ये ना ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। अब मतलब पेप्टिडोग्लाइकन इनमें एब्सेंट है, इसका सिंपल सा मतलब है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन की उनकी सेल वॉल होती है, पर इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन इज एब्सेंट। ठीक है, और पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट है तो किसी ना किसी की तो वॉल होगी इनकी बनी हुई, तो किसकी बनी है, प्रोटीनेशियस वॉल है इनकी। ठीक है, प्रोटीनेशियस वॉल, इंस्टेड प्रोटीनेशियस वॉल इज। ठीक है, इतनी बात हो गई एनामोक्स बैक्टीरिया की, डन। चलते हैं आगे। अब कुछ वेटलैंड्स में क्या होता है, वेटलैंड्स मार्शी एरियाज, कि वेटलैंड्स एंड मार्शी एरियाज में क्या हो रहा है कि अगर ये मान लो कोई प्लांट है, अब यहां पे वाटर लॉग्ड कंडीशन है, यहां पे कैसी कंडीशन है, वाटर लॉग्ड कंडीशन। ठीक है, पानी भरा पड़ा है, पानी और ऑक्सीजन की कम बनती है, तो पानी और जहां पे पानी ज्यादा होता है वहां पे ऑक्सीजन कम रहती है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी, O2 एस्केप हो जाएगी, O2 एस्केप हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन एस्केप हो जाएगी तो एरोबिक बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साथ साथ हम लिखेंगे वॉटर लॉग्ड कंडीशंस, इन वॉटर लॉग्ड कंडीशंस वॉटर लॉग्ड कंडीशंस में क्या हो रहा है। ठीक है, O2
एस्केप आउट, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया आर नॉट एबल टू सर्वाइव जो कन्वर्ट कर रहे थे डेड ऑर्गेनिक मैटर को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, नाइट्रेट्स में, अवेलेबल फॉर्म में. अब ये कन्वर्जन हो पाएगी नहीं, अल्टीमेटली तो नाइट्रेट्स में कर रहे थे ना डेड ऑर्गेनिक मैटर को, तो यहाँ पे ये कन्वर्जन पॉसिबल है नहीं पॉसिबल, ठीक है. सो डेड ऑर्गेनिक मैटर कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू, या ऑक्सीडाइज्ड, कैनॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स में कन्वर्जन नहीं होगी उसको, ठीक है, नाइट्रेट्स यहाँ पे नहीं बने, ठीक है. अब क्या होगा कि देयर विल बी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी फॉर द प्लांट, देयर विल बी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन द सॉइल. अब प्लांट्स नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स में है यहाँ पे, तो प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो ऐसा क्या करेंगे ये प्लांट्स, तो ये प्लांट्स इंसेक्टिवोरस हो जाएंगे और इंसेक्ट से अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे, ठीक है. देयरफॉर प्लांट्स बिकम इंसेक्टिवोरस बन जाएंगे and accomplish their nitrogen deficiency from insects. अब ऐसी कोई example बता सकते हो, कोई ऐसी example कुछ plants की, इसकी example है, example पिटचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यूज, यूट्रिकुलेरिया, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, वीनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रिकुलेरिया, सनड्यूज, तो ये वो सारे प्लांट है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, अपनी जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है वो कहाँ से एकम्प्लिश करते हैं, फ्रॉम इंसेक्ट्स, ठीक है. तो ये बात हो गई, चलो आगे चलते हैं. अब आ जाते हैं रूट्स, प्लांट्स की रूट्स पे, ठीक है. प्लांट्स में नाइट्रोजन एसिमिलेशन कैसी चल रही है, कैसे चल रही है उसकी बात देखो. नाइट्रेट्स की फॉर्म में आ गया प्लांट्स के पास, यहां पे हमने यही देखा, नाइट्रेट्स की फॉर्म में या क्या प्लांट के रूट्स के अंदर, यहाँ पे नाइट्रेट्स. अब इस नाइट्रेट्स का क्या हो रहा है आगे जाके, तो ये देखेंगे हम, ठीक है. अब नाइट्रेट्स को अंदर लिया गया, नाइट्रेट्स को अंदर आ गए. अब नाइट्रेट्स को कन्वर्ट किया गया नाइट्राइट्स में with the help of enzyme nitrate reductase. कौन से enzyme की help से, nitrate reductase. यहाँ पे enzyme कौन सा involve हो रहा है, nitrate reductase. अब nitrate reductase enzyme की कहानी सुनो जरा, ठीक है. nitrate जो reductase enzyme है ये क्या कर रहा है, conversion कर रहा है NO3 negative की NO2 negative में. Enzyme involved is nitrate reductase, ठीक है.
यहाँ पे ये जो एंजाइम है इसकी दो सब यूनिट है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इस एंजाइम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और ये जो सारी प्रोसेस चल रही है ये कहाँ चल रही है, साइटोप्लाज्म में, या साइटोसोल लिख सकते हो, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ चल रही है, साइटोप्लाज्म में। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, नाइट्रेट रिडक्टेज दो सब यूनिट्स का बना होता है, तीन प्रोस्थेटिक ग्रुप है, थ्री प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर देयर। अब ये चीज क्या है, देखो दो सब यूनिट का मतलब पहले तीन प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब देखिए, ये हो गए तीन प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, फिर आई अब ऐसा ही एक और सब यूनिट, इसको बोल दिया दो सब यूनिट, इसको बोल दिया दो सब यूनिट। ठीक है, इसको बोल दिया दो सब यूनिट। अब यहां पे एक बना होता है एमओ कॉम्प्लेक्स, मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहला दोनों सब यूनिट सेम है तो मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स। फिर आता है हीम ग्रुप, हीम ग्रुप एंड देन एफिड, देन कम्स एफिड। ठीक है, इतनी बात होगी, समझ आ गया, दो सब यूनिट तीन प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स लेता है, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम दो इलेक्ट्रॉन्स लेगा और उन इलेक्ट्रॉन्स को इसके पास दे देगा, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो NO2 नेगेटिव में, ठीक है, ये सॉरी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो रिडक्शन हो जाएगी, रिडक्शन होती है ना। अब केमिस्ट्री है यहाँ पे थोड़ी सी, इस बात को समझो, जब हम किसी को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो उसकी रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, NO3 नेगेटिव को, और वो रिड्यूस हो जा रहा है किसमें, नाइट्राइड्स में। ठीक है, रिडक्शन हो गई यहाँ, क्या हो गई, रिडक्शन, क्लियर है। अब नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे ये NO2 नेगेटिव को कन्वर्ट किया जाएगा NH3, ये क्या है, अमोनिया। और एंजाइम इन्वॉल्वड हियर इज नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज। अब कई बार क्या होता है कि ये NH3 की फॉर्म में भी ऑब्जर्व कर रहा है, तो डायरेक्टली ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकता है, बट नाइट्राइट्स की फॉर्म में बड़ा कम ऑब्जर्व होता है, नाइट्राइट की फॉर्म में बहुत कम ऑब्जर्व होता है। ठीक है, डन, इतनी बात हो गई। अब यहां पे NO2 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू NH3, इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है यहाँ पे, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, छह इलेक्ट्रॉन्स आए तो NH3 बना। ठीक है, एंजाइम इज नाइट्राइड रिडक्टेज, नाइट्राइड को रिड्यूस कर रहा है, नाइट्राइड रिडक्टेज। ठीक है, अब ये जो नाइट्राइड रिडक्टेज है इसके दो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इसके दो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, टू प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, एक सब यूनिट दो प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो FeS एंड हीम ग्रुप का बना है, किसका बना है, FeS एंड हीम ग्रुप, इसी तरह। ठीक है, तो इतनी बात, तो आयरन किस एंजाइम में होता है तो कर लोगे, मोलिब्डेनम किस एंजाइम में होता है क्वेश्चन आ जाए तो हो पाएगा, आयरन किस एंजाइम में होता है, मोलिब्डेनम किस एंजाइम में होता है, हो जाएगा, इतनी बात होगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये, नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्राइट रिडक्टेज। एक बार फिर सुनो क्या हुआ, रूट्स में नाइट्रेट्स आए, नाइट्रेट्स को कन्वर्ट किया गया नाइट्राइड्स में NO2 नेगेटिव, फिर NO2 नेगेटिव को कन्वर्ट किया गया अमोनिया में। अब वो कैसे हुआ उसकी डिटेल, NO3 नेगेटिव को कन्वर्ट कौन कर रहा है, नाइट्रेट रिडक्टेज, और वो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिससे उसकी रिडक्शन हो रही है, और वो क्या बन रहा है, NO2 नेगेटिव। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, और दो सब यूनिट्स का बना है, तीन प्रोस्थेटिक ग्रुप का। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली चीज एमओ कॉम्प्लेक्स में, हीम में, एफिड, ये क्या है, तीन प्रोस्थेटिक ग्रुप है और दो सब यूनिट्स को मिला के बनते हैं, डन। चलिए, अब यहाँ पे नाइट्राइट रिडक्टेज आता है, इसके दो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, हीम ग्रुप और एफ। ठीक है, और सिक्स इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं,
और ये जो प्रोसेस चलती है ये प्लास्टिड में चलती है। ये प्रोसेस कहाँ चलती है? प्लास्टिड में। अब प्लास्टिड नॉन ग्रीन प्लास्टिक में भी हो सकता है। अब आप रूट में बोलोगे कहाँ प्लास्टिड, तो नॉन ग्रीन प्लास्टिड भी तो होते हैं। नॉन ग्रीन प्लास्टिड हुए तो रूट में, ठीक है। तो ये कहाँ हो रही है? रूट में ये प्रोसेस कहाँ चल रही है। और अगर ग्रीन प्लास्टिड है तो हमें पता है ऊपर कहीं लीफ में, ग्रीन पार्ट्स में, ठीक है। कितनी बात होगी, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। अब इसको हम जनरली इसको बोल देते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। प्लांट्स कैसे ले पा रहे हैं नाइट्रोजन को, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो ये नाइट्रोजन एसिमिलेशन समझ आ गया, क्लियर है। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से आओ, एनामोक्स पढ़ा, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रोजन एनरोबिकली, ठीक है। और इसमें इन्वॉल्व होते हैं स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया जो जिनमें सूडो ऑर्गेनली प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं एनोमोसोम। और ये ना ही ग्राम पॉजिटिव है ना ही ये ग्राम नेगेटिव है, मतलब इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट है। तो सेल वॉल बनी किसकी है, जो सब बैक्टीरिया में तो पेप्टिडोग्लाइकन है, ये तभी तो स्पेशल है। तो इनमें पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं प्रोटीनेशियस सेल वॉल है। और कहां पे यूज होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में और ओशंस में जनरली ये कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे चलता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में रिएक्शन, पहले अमोनिया वहां होता है। अमोनिया क्या करता है, ओटो के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बनाता है और सारी ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। फिर आती है बैक्टीरिया की एंट्री और बैक्टीरिया इस रिएक्शन को मुकाम देते हैं और नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। कैंडिडेटस ब्रोकेडिया किनिंगिस टूटी गार्डियंसिस टेम्परेचर -2 से 43 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं और पीएच होनी चाहिए 6.8 to 7.8, ठीक है। नेक्स्ट, वेटलैंड और मार्शी एरियाज की जब भी हम बात करेंगे तो वहां क्या होगा, वेटलैंड्स में कुछ एरोबिक बैक्टीरिया एब्सेंट होंगे क्योंकि वेटलैंड्स में पानी बढ़ जाता है। अब पानी और ऑक्सीजन की थोड़ी कम बनती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन एस्केप आउट हो जाएगी, एरोबिक बैक्टीरिया काम नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा अल्टीमेटली। फिर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी प्लांट में और प्लांट क्या बन जाएगा, यहाँ पे इंसेक्टिवोरस। प्लांट क्या बन जाएगा, मांसाहारी बन जाएगा, ठीक है। इंसेक्टिवोरस बन गया, मांसाहारी बन गया और अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी वहां से पूरी करेगा, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन एसिमिलेशन, प्लांट नाइट्रेट्स को कैसे यूज कर रहा है, तो प्लांट क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रेट्स को विद द हेल्प ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेंस। ये एंजाइम कहाँ है, प्लांट्स में है, ठीक है। ये प्लांट की रूट बनाई है मैंने, रूट है। ये एंजाइम कहाँ है, प्लांट्स में, प्लांट्स में ये प्रोसेस चल रही है, समझ आ गया ना, दूसरी प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, नाइट्रेट से नाइट्राइड्स, नाइट्राइड से अमोनिया, और नाइट्राइड्स की जब भी हम बात करेंगे तो नाइट्राइड्स जब अमोनिया से बन रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। और इसको हम कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है यहाँ पे, नाइट्रेट रिडक्टेस, और दो सब यूनिट का बना है, मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स हीम ग्रुप एंड एफएडी। और यहाँ पे जो जो नाइट्राइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है वो है नाइट्राइट रिडक्टेस, और दो प्रोस्थेटिक ग्रुप का बना है हीम एंड एफईएस, ठीक है। और ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड यूनिट है, मतलब दो सब यूनिट का नहीं है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड यूनिट है, यहाँ पे याद रखना, सिंगल पॉलीपेप्टाइड यूनिट, ठीक है। और आयरन और सल्फर इसी में प्रेजेंट है। और ये प्लास्टिड, ग्रीन प्लास्टिड और नॉन ग्रीन प्लास्टिड दोनों में काम करता है ये वाला एंजाइम। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं एक NADPH के, ठीक है। और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लू, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स दोनों में, देखो दो यहाँ पे 6 यहाँ पे। अब दो इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं एक NADPH के,
एक NADPH, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कितने NADPH के बराबर हुआ? 4 NADPH के, ठीक है, 4 NADPH के। अब यहाँ पे एक NADPH, एक NADPH किसके इक्वल होता है? एक NADPH 3 ATP के इक्वल होता है, ठीक है, 3 ATP के इक्वल होता है। तो 4 NADPH कितने ATP के इक्वल हुआ? 4 3 12 ATP। तो यहाँ पे 12 ATP लग रहे हैं, 12 ATP लग रहे हैं एक एक नाइट्रेट को कन्वर्ट करने में। अब हमें कितने ATP लग रहे हैं? 12 ATP आर इन्वॉल्व, ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखो एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? एक NADPH के, और 8 इलेक्ट्रॉन 4 के बराबर हुए। इसी तरह 2 1 के, तो 8 4 के, फिर एक NADPH 3 ATP के इक्वल है, और 4 NADPH कितने ATP के इक्वल हुए? 12। तो 12 ATP बनते हैं, 12 ATP इन्वॉल्व, यहां लिख रही हूं 12 ATP इन्वॉल्व टू कन्वर्ट 1 nitrate to ammonia, ठीक है, इतनी बात होगी 12 ATP। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।